फाइनली यहाँ पे गाइज देख सकते हैं हमारा 4G सिम कार्ड जो है गाइज यहाँ पे 5G में अपग्रेड हो चुका है। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं 5G जो है सिग्नल्स जो हमारे फोन में शो कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी जियो का कोई भी सिम कार्ड है गाइज, 4G सिम कार्ड है, तो उसको आप 5G कैसे बना सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है गाइज। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई हमारे पास 4G सिम कार्ड है और 5G फोन है, तो क्या जो है हमें सिम कार्ड को चेंज करना पड़ेगा, क्या हमें 4G से 5G सिम कार्ड लेना पड़ेगा, उसके बाद ही गाइज जो है हम 5G यूज़ कर पाएंगे। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है गाइज कि अगर हमारे पास में 4G गाइज फोन है और अगर हमारे पास में 5G सिम कार्ड है, तो क्या हम 5G को यूज कर पाएंगे। तो सारे डाउट्स आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं और मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास भी 4G सिम कार्ड है, उसको 5G में कैसे अपग्रेड करेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इस सिम कार्ड जो अपने फोन में जो है इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में गाइज आपको मैं सारी चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ। तो गाइज अगर आप भी जियो सिम कार्ड को यूज करते हैं गाइज और आप 5G को यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है 5G में अपग्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये फोन है, इसमें मैंने जियो सिम कार्ड को लगा के रखा है। अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद में गाइज यहाँ पे आपको जियो का एक एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख के आपको सर्च करना पड़ेगा जियो, और जियो लिख के सर्च करेंगे माई जियो एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइज। आपको यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में गाइज आपको क्या करना है कि जियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और आपके पास में जियो का सिम कार्ड होना चाहिए, जियो नंबर होना चाहिए, उसके बाद ही गाइज आप यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे। तो चलिए गाइज हम फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं और लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद में आगे आपको समझा देते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं माय जियो एप्लीकेशन है, इसको यहां पे गाइस मैंने फाइनली यहां पे ओपन कर लिया है। और यहां पे गाइस जो है थोड़ा देर आपको वेट करना है, फिर गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे माई जियो एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुका है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे रजिस्टर करके रखा हूँ, आप लोगों को भी अपने नंबर जो है अपना नंबर जियो नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर गाइज आपको मोबाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं गाइज यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में आपको मोबाइल का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, इसी मोबाइल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो चलिए गाइज इस पे चलते हैं, फिर आगे आपको समझा देते हैं। यहाँ पे गाइज देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। गाइज यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे गाइज आपको देखने को मिलेगा, मैं ऑलरेडी जो है यहाँ पे देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो वेलकम ऑफर अनलॉक ट्रू 5G नाउ। गाइज यहाँ पे ऑलरेडी जो है मैं यहाँ पे ट्रू 5G जो है अनलॉक कर चुका हूँ जियो का जो वेलकम ऑफर है। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको नीचे आना है, नीचे आपको बहुत सारे बैनर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बैनर पे जो है स्क्रॉल करना है इधर उधर, और आपको यहाँ पे गाइज जो है एक बैनर देखने को मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको और जो यहाँ पे स्क्रॉल करना है, और इसके बाद में गाइज यहाँ पे एक बैनर आपको देखने को मिलेगा, एड टू फील द पल्स ऑफ ट्रू 5G। यहाँ पे गाइज आपको ये वाला बैनर जो है देखने को मिलेगा, ध्यान से आप देख लीजिए, इसी बैनर पे आपको जाना है, तभी आप जो है 5G को अपग्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा गाइज, यहाँ पे चेक 5G रेडीनेस आपको ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेना है कि क्या आपका डिवाइस जो है 5G को सपोर्ट करता है या नहीं। तो इस ऑप्शन पे जैसे गाइज आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये चेक करेगा कि आपका डिवाइस जो है अगर यहाँ पे अगर आप वेलकम ऑफर के लिए एलिजिबल हैं तो वो टिक हो जाएगा। अगर आपका हैंडसेट जो है 5G जो है कंपेटेबल है गाइज तो वो टिक हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे हैंडसेट का सॉफ्टवेयर वर्जन, अगर आपके हैंडसेट का जो सॉफ्टवेयर वर्जन है लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड है तो यहाँ पे आप इस पर लगा दीजिए। इसके बाद में आएगा हैंडसेट 5G सेटिंग्स। अब ये क्यों आ रहा है गाइज, यहाँ पे देखिए ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। इसका रीज़न ये है गाइज, क्योंकि मैं इंडोर यहाँ पे जो इंडोर कवरेज है गाइज 5G की नहीं है। जब आप 5G कवरेज में रहेंगे, 5G जोन में रहेंगे जहाँ पे 5G नेटवर्क रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। बस आपका 5G इनेबल होना चाहिए आपकी फ़ोन की सेटिंग से, तो ये ऑटोमेटिक टिक हो जाएगा। और जैसे ही सारा यहाँ पे टिक हो जाएगा ग्रीन कलर में, आपका यहाँ पे 5G जो है वेलकम ऑफर अपग्रेड हो जाएगा और आप जो है अनलिमिटेड जो है ट्रू 5G को यूज कर पाएंगे। यहाँ पे गाइस कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि अगर हमारे पास में 4G सिम कार्ड है तो क्या हम 5G को यूज कर पाएंगे। तो बिल्कुल आप कर पाएंगे, बस आपके आपका जो फोन होना चाहिए वो 5G होना चाहिए, ठीक है, तभी आप यूज कर पाएंगे। और अगर आपके पास में एक 5G सिम कार्ड है, अगर 4G फोन है, तो बिल्कुल भी आप 5G यूज नहीं कर पाएंगे। यानी सिम कार्ड आपका बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, वो 4G और 5G हो, फोन आपका मैटर करता है। अगर आपका फोन यहाँ पे 5G है गाइस तो ही आप 5G को यूज कर पाएंगे। अगर आपका फोन जो है 5G सपोर्टेड नहीं है गाइस, तो आपका सिम कार्ड 4G और 5G कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने आपको सारी चीजें आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।